तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, सोहेल भाई का एक लेटेस्ट वीडियो आया है, वो वीडियो कैसे बनाएंगे, स्काई जंप VFX की वीडियो कैसे बनाते हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो आप देख चुके होंगे लेकिन आप बना रहे होंगे तो बन नहीं रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे हूँ, बना देने से वीडियो बनता नहीं है, ठीक है। मैं आपको परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, 100% परफेक्ट तरीका। और आप कोई भी हैंडसेट आप यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल में बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इसी वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल का घंटी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करके रखें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे डेली टिकटॉक का 2-3 ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल कंटिन्यू आते रहता है, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। आप सभी को पता है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं सभी से बात करता हूँ जो लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए। तो चलिए गाइस, हम आ गए हैं स्मार्टफोन में। इसके बाद से प्लस 16 ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सिलेक्शन कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वीडियो जो शूट किया हुआ है वो वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद आपका अपना वीडियो शूट किया हुआ वीडियो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाला वीडियो शूट किया है दोस्तों, ये देख लीजिए। और इसका साउंड वीडियो पे क्लिक करके, वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ से म्यूट कर दीजिए। और अब चलिए एडिटिंग सिखाते हैं कि परफेक्ट एडिटिंग किसको बोलता है और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एंड्रॉयड से बना रहा हूँ और देखेंगे पूरा करेक्ट मैं बताऊँगा आपको। उस जगह का फाइंड आउट करना है जहाँ पर आप जंप कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर आप रनिंग में जंप कर रहे हैं उसी जगह का फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ का जगह का फाइंड आउट किया, आप यहीं का जरूरत है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए और कैप्चर एंड सेव करेंगे तो ये पिक्चर आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आप इसी वीडियो पर दोस्तों क्लिक करेंगे, फिर से सीजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिटेड प्लेहेड करके वीडियो को बीच से काट लेंगे, ठीक है। आप एकदम लास्ट में चले आइए, जैसे मैं आपको बोला कि खाली बैकग्राउंड आपको ज़रूरत है, उसी वीडियो में कैमरा आपका वहीं पर होना चाहिए। और इसका भी एक स्क्रीनशॉट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको ये स्क्रीनशॉट एक यहाँ से ले लीजिए और इस वीडियो को यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसका PNG बनाने के लिए दोस्तों, remove.bg का वेबसाइट है, वहाँ पे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं स्मार्टफोन का ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है remove.bg और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको लोड इमेज का एक ऑप्शन मिलता है, लोड इमेज पे जाएंगे और आप यहाँ पे फ़ोटो ब्राउज़ कर लेंगे और आपका जो फ़ोटो है वो फ़ोटो ले लेंगे दोस्तों। तो ये मैं कैप्चर किया हूँ स्क्रीन, तो ये कैप्चर कर लेने के बाद ये देखेंगे 5 सेकेंड लगता है आपको ये बैकग्राउंड इरेज करके दे देगा। वीडियो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव करके आपको मिल जा रहा है। फिर से अब हम चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में। दोस्तों, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए, जो खाली बैकग्राउंड का स्क्रीनशॉट लिए थे अब उसको लगाना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और जो स्क्रीन कैप्चर किए हुए हैं वो ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये कैप्चर हो गया है। इसको अब क्या करेंगे, आपको शॉर्ट कर देना है, छोटा कर देना है, ठीक है। छोटा करके यहाँ से छोड़ देंगे, इतना छोटा कर लेंगे। इसके बाद से आपको वो बैकग्राउंड वाला जो पिक्चर है वो लगाना है, जहाँ पे आसमान में वो उड़ रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड का भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बिल्कुल ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब उस वीडियो को लेके आते हैं, तो उसके लिए मीडिया पे जाएंगे और उस वीडियो को लेके आएंगे दोस्तों, जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है दोस्तों, ये वाला बैकग्राउंड वाला वीडियो है, ये वाला मैं लेके आ गया। तो अब चलिए परफेक्ट एडिटिंग आपको सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। आपको ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो जगह यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं एक जहाँ पर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर आप रखेंगे। उसके बाद से यहाँ से आपको लेयर पर जानी है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाइए और आप जो वीडियो का PNG बनाए हैं, इसका PNG बनाया है दोस्तों, इसको लेके आ जाएंगे और इसको टान के ऐसे बड़ा करेंगे, ठीक है। खींच के ऐसे बड़ा करेंगे और बिल्कुल इसी पे आप एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अब देख लिए कुछ इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये फ़ोटो लगाने के बाद आपको ये जो यहाँ पर एक चाबी का ऑप्शन दिख रहा है, चाबी वाला पे टैप करेंगे और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये स्क्रीन के बराबर यहाँ तक आप बढ़ेंगे। यहाँ तक बढ़ने के बाद इसको यहाँ पे एक टैब प्लस वाला ऑप्शन पे टैब करेंगे
टैप करने के बाद आपका जो फोटो है उसको लेके एकदम स्पीड में ऐसे लेके ऊपर छुपा देना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये छुप गया। अब मैं एक बार आपको अगर प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, कितना अच्छा तरीके से ये छुप गया ऊपर में। नीचे वाला जो PNG है उस पर क्लिक करेंगे, फिर सीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिटेड प्लेहेड करके काट लेंगे बीच से। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। तो अब आपका काम यहाँ पे रह गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। और बढ़ा लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्लिक किए, सेकंड पार्ट जो हम लोग कट कर लिए वहाँ पे क्लिक किए और इसको ऐसे करके आप बड़ा कर लेंगे दोस्तों। इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको नीचे में छुपा देना है, ठीक है। नीचे में आकर रख देंगे, उसके बाद से फिर से ये चाबी वाला पे टैप करेंगे दोस्तों। आप ध्यान से देखते रहिए, मतलब चाबी वाला पे टैप करेंगे और यहाँ पे थोड़ा दूर पे ही आने पे, थोड़ा दूर पे आने पे ही आप ये प्लस वाला ऑप्शन को टैप कर लीजिए और इसको स्पीड में लेके आइए यहाँ पे, एकदम स्पीड में जैसे उनका आता है। उसके बाद से दोस्तों ये लास्ट में, लास्ट के पहले थोड़ा सा चले आइए और यहाँ पे आने के बाद ये प्लस वाला ऑप्शन पर टैप कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे बढ़ा के रख देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। अब ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार करके प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखिए कितना अच्छा तरीका से, ज़बरदस्त तरीका से ये बन गया है दोस्तों, ठीक है। कुछ इसी तरीका से वो वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा तरीके से सीख गए होंगे। अब इस वीडियो में उस सॉन्ग को ऐड करने के लिए दोस्तों लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, तो ये वो वीडियो है। वीडियो लेके आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सेक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सेक्ट ऑडियो करेंगे, वीडियो आपका डिलीट कर लेंगे। अब जो है वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब इसको शेयर करने के लिए, सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है 720:30 का, 720:30 करके वीडियो को सेव करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।